हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बढ़ते तेल के भाव से आम जनजीवन परेशान। जहां एक तरफ पिछले 15 दिनों से कच्चे तेल की कीमत 35 से 40 डॉलर प्रति बैरल के बीच है, वहीं दूसरी तरफ देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार तेजी देखने को मिली है। पिछले 17 दिनों में लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी की जा रही है। मंगलवार यानी 23 जून को भी पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी की गई है। दिल्ली में पेट्रोल के दामों में 20 पैसों और डीजल के दामों में 55 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से बढ़ोतरी की गई है। शहर में पेट्रोल 87.8 पैसे और डीजल 80.43 पैसे की कीमत पर है। इस दौरान चालकों का कहना है कि 3 माह से लॉकडाउन में स्थिति खराब कर दी, अब पटरी पर आने लगे तो तेल के भावों में बढ़ोतरी कर दी। इसका सीधा प्रभाव घर की स्थिति पर पड़ता है। आम व्यक्ति तो वाहन से सफर भी नहीं कर सकता। यदि यही स्थिति रही तो लोगों को वाहन छोड़कर साइकिल की दुनिया को अपनाना पड़ेगा, जो एक बार फिर भारतीय आर्थिक स्थिति पर प्रभाव डालेगा। जागरूक टीवी के लिए पाली से हस्तपाल सिंह की रिपोर्ट।